साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ एक बार फिर से। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस वक्त आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट खुली हुई है और आरआरबी चंडीगढ़ ने अभी अभी कुछ देर पहले आज ही के डेट में यानी 30/1/2024 आज है और आज ही के डेट में कुछ देर जस्ट पहले एएलपी भर्ती के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया। क्या है ये नोटिस, तो इसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस नोटिस के जरिए क्या कहने का प्रयास रेलवे भर्ती बोर्ड का है। आप देख सकते हैं CAN 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ ALP टेनेटिव टाइम्स लाइन, यहाँ पे टाइम लाइन घोषित कर दिया गया है। एप्लीकेंट्स टू द पोस्ट ऑफ अपली ALP नोटिफाइड अंडर CAN 01/2024 आर अवेयर डेट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन इज 19 फरवरी 2024। आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है यह कहा जा रहा है। दे आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्ली एंड अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश एंड नेटवर्क कंजेशन, यानी किसी भी प्रकार के नेटवर्क कंजेशन से बचने के लिए आप लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर लें। इसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द CBT वन एग्जाम्स फॉर दिस पोस्ट आर टेंटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024, यानी कि इसकी CBT 1 का जो परीक्षा होना है वह 2024 में ही जून से अगस्त के बीच में आयोजित कर लिया जाना है। जून से अगस्त के बीच में इसकी PT परीक्षा यानी कि CBT 1 की परीक्षा कंडक्ट करवा ली जानी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा तो द सेकेंड स्टेज यानी CBT 2 एग्जाम्स आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सेप्टेम्बर, यानी जैसे ही जून से अगस्त के बीच CBT 1 लिया जाएगा उसके जस्ट तुरंत बाद रिजल्ट दिया जाएगा 10 से 15-20 दिनों के अंदर और फटाक से आपको 5-10 दिन का समय मिलेगा। सितंबर में ही आपको CBT 2 की परीक्षा ले ली जाएगी और अगर आप मान करके चलें कि थोड़ा डिले भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अक्टूबर तक जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट आप देख सकते हैं कि फिर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपका साइको टेस्ट जो होता है वो CBAT जिसको बोलते हैं वह नवंबर 2024 में कंडक्ट करा ली जानी है। आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन नवंबर 2024 और दिसंबर 2024, यानी नवंबर से दिसंबर 2024 में आपको DV के लिए भी शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा और आपकी DV करा दी जाएगी। तत्पश्चात प्लीज नोट यानी एक नोट यहाँ जारी किया गया, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन जनवरी 2025। ठीक है, तो जो इसका नेक्स्ट साइकिल है यानी कि वैकेंसी आने की जो प्रक्रिया है उसका जो नेक्स्ट चरण है वह जनवरी 2025 में पुनः शुरू किया जाना है। और जैसा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के कई अधिकारियों के द्वारा आप बार बार सुन रहे होंगे कि अब भर्ती जो आएगी वह भर्ती कैसी होगी, तो हर साल आएगी भर्ती, जितनी वैकेंसी होगी वह हर साल आएगी और रेगुलर वैकेंसी आएगी, ये रेलवे के कई अधिकारियों का कहना है। तो जनवरी 2025 में फिर से ALP की जो वैकेंसी होगी वह नई वैकेंसी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा इस नोटिस के अलावा मैं आपको रेलवे मंत्री जी के द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया है ANI को वह भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाता हूं, तो ज़रूर उस वीडियो को अभी देखिएगा और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ऐसी ही अन्य अपडेट्स से आप रूबरू रह सकेंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर 150,000 न्यू एम्प्लॉयज एंड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूडिंग दैट वी हैव स्टार्टेड द न्यू प्रोसेस फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ ALPs। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देर विल बी more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities.